तीसरा उदाहरण इस प्रकार है। मानिए कि एक हांडी दी हुई है जिसमें कि 8 लाल और 4 श्वेत गेंदे रखी हैं। हांडी में से 2 गेंदे बिना वापस रखे निकाली जाती हैं। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला यह है कि यदि यह माने कि प्रत्येक ड्रा या हांडी में से गेंदों का निकालने की में हर गेंद के चुने जाने की जो प्रायिकता है वह समसंभावी है, किसी भी गेंद के चुने जाने की प्रायिकता हमेशा समसंभावी है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि निकाली गई दोनों गेंदें लाल होती हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि अब यह मानिए कि 2 रंगों की गेंदों का भार भिन्न है। पहले तो हमने बताया कि चाहे हांडी में 2 तरह की गेंदें जिनका कि रंग लाल और श्वेत है वो समसंभावी हैं चुनाव करते समय, लेकिन दूसरे प्रश्न में हमने ये कहा कि हर रंग की गेंद का भार अलग है और हर लाल गेंद का भार अगर R हो, स्थिरांक R हो, और हर श्वेत गेंद का भार स्थिरांक W हो, तो मानिए कि हांडी में से किसी एक गेंद को अगली बार चुने जाने की प्रायिकता उनके भार और उस समय हांडी में उपस्थित कुल गेंदों के भार के अनुपात के बराबर होती है। तो आप इस दशा में आप हर गेंद तो 2 अलग अलग रंगों की गेंद की प्रायिकता अलग अलग होगी क्योंकि यह अनुपात अलग अलग होगा, तो यह क्वेश्चन उसका थोड़ा गूढ़ प्रकार है। तो आइए इस प्रश्न के हल की ओर बढ़ें। तो पहले प्रश्न के लिए हम पहले इच्छित जो घटनाओं को मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कि R1 एंड R2 क्रमवार दर्शाते हैं उन घटनाओं को कि हांडी में से निकाली हुई पहली गेंद और दूसरी गेंद लाल है। अब हांडी में कुल 12 गेंदें हैं, 8 लाल और 4 श्वेत, और उनमें से 8 लाल गेंदें हैं, तो अतः पहली निकाली हुई गेंद के लाल होने की प्रायिकता जिसे कि प्रायिकता R1 घटना की है उसका मान अनुकूल संभावनाओं जो कि 8 है और कुल संभावनाओं जो कि 12 गेंद है तो 12 है, तो 8/12 के अनुपात के बराबर होगी। अब यह हमको बताया गया है कि हांडी में से अगर गेंदें निकाली जाती हैं तो वह वापस नहीं रखी जा रही हैं, अतः दूसरी गेंद अगर हांडी में से निकालने के लिए जब हम जाएंगे तो हांडी में चूँकि पहली गेंद लाल निकल चुकी है तो हांडी में अब 7 लाल गेंदें ही शेष बचेंगी, वहीं श्वेत गेंदें 4 की 4 ही रहेंगी जो कि हमने पहली गेंद को लाल निकाला है। तो इस प्रकार अब दूसरी गेंद के लाल निकलने की प्रायिकता का मान जो कि एक प्रतिसंबंध प्रायिकता होगी जो कि पहली गेंद लाल निकाली जा चुकी है उसको हम निकाल सकते हैं इस तरह कि वो उसका मान होगा 7/11, जहाँ 7 की कुल अनुकूल संभावना है लाल गेंदों को चुनने की चूँकि 7 गेंदें बची हैं, और 11 क्योंकि अब हांडी में एक गेंद कम हो गई तो अब 11 गेंदें बची हैं। तो इस प्रकार हम दोनों गेंदों को लाल निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, संयुक्त प्रायिकता हमने ये निकाल लिया है। तो आपने जैसा कि देखा है सूत्र में कि इस संयुक्त प्रायिकता को हम प्रायिकता पहले घटना के गुणन सब प्रतिसंबंध प्रायिकता दूसरी घटना की जबकि पहली घटना के बारे में हमें ज्ञात हो के तरह व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम 2/12 और 7/11 के गुणनफल से प्राप्त कर सकते हैं इच्छित प्रायिकता जिसका कि मान 14/23 होगा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि क्या इस प्रश्न को हम प्रतिबंध प्रायिकता के माध्यम से ही हल कर सकते हैं, किसी और तरह से नहीं? तो आपका अनुमान सही है, हम इसे प्रायिकता के मूल सिद्धांत के रूप से भी हल कर सकते हैं और हम इसको प्रथम सिद्धांत के अनुसार भी कर सकते हैं। क्योंकि हम ये सोचें कि हांडी में से 12 गेंदें हैं, 2 प्रकार की गेंदों का समूह 12 की संख्या में है और उनमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं और दोनों के लाल होने की कुल संभावनाएं क्या हैं, इस तरह हांडी में से अगर 2 गेंदें निकाली जाएँ 12 में से तो उसकी कुल संभावनाएँ क्या हैं। तो यह आप प्रायिकता के मूल सिद्धांत और प्रथम सिद्धांत से भी निकाल सकते हैं। वह प्रायिकता ये संयुक्त प्रायिकता होगी 8C2 जो कि बताती है कि 8 लाल गेंदों में से 2 गेंदें कितने तरह से चुनी जा सकती हैं। इसी तरह कुल गेंदें 12 हैं, उसमें से 2 गेंदों को चुनने के विभिन्न प्रकार होंगे 12C2, जिसको कि हम सरलीकृत करने पर पुनः इस प्रायिकता को 14/33 के रूप में ही प्राप्त करते हैं। तो हम इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं, प्रतिबंध और
प्रथम सिद्धांत प्रायिकता के। आइए हम दूसरे उप प्रश्न की ओर बढ़े। तो इस प्रश्न के लिए जैसे कि हमने पहले माना था, मान लीजिए आरआई उस घटना को दर्शाता है कि आईवी निकाली हुई गेंद लाल है। तो हम जो भी गेंदें निकाल रहे हैं या ड्रा कर रहे हैं इस हांडी में से, वो अगर आईवी गेंद, आईवी यहाँ पे मान आईवा का एक दो होगा, आप समझ ही गए होंगे, तो वो लाल है। तो इच्छित प्रायिकता की गणना प्रतिपंस प्रायिकता के सूत्र द्वारा की जाती है। तो अब हांडी में सभी गेंदों को अगर हम कोई क्रमबद्ध संख्याबद्ध कर दें तो हम कुल गेंदों का विन्यास जानते हैं कि कोई पहली गेंद, अगर कोई गेंद लाल निकलती है तो आठ लाल गेंदें हैं, तो आठ में से क्रमित गेंद एक आ सकती है, या लाल गेंद जो एक क्रमित है, या इसी तरह दो तीन अब तो आठ तक हम इसे चुन सकते हैं। तो यह हमारी घटनाओं का समूह होता है। इस घटनाओं को समूह को हम व्यक्त करें अगर बी आई से, जहां आई का मान यहां पे अगर एक से लेकर आठ तक होगा, तो यह हम बता रहे हैं अगर कोई गेंद चुनी जाती है तो उस गेंद जो चुनी गई है वो कौन सी गेंद होगी। तो वो अगर गेंद क्रमित एक है या आठ है, तो ये सारी घटनाओं को अगर हम बी आई से करें तो निकाली हुई पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता को हम व्यक्त कर सकते हैं मानी हुई घटनाओं के समुच्च की प्रायिकता। तो मानी हुई घटना क्या, किसी भी गेंद को निकालने जो क्रमांक है उसका, वो अगर आई क्रमांक की गेंद बाहर निकल के आती है तो आई के कुल आठ क्रमांक होंगे एक से लेकर आठ तक, तो इन घटनाओं के समुच्च की प्रायिकता ही प्रायिकता होगी पहली गेंद के लाल होने की। तो इस प्रायिकता को हम ये लिख सकते हैं कि प्रायिकता पहली गेंद के लाल निकलने की होती है बी आई, जहाँ की आई का मान एक से आठ घटनाओं के समुच्च। चूँकि ये सारी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इन्हें हम इनकी किसी एक घटना बी आई घटना के होने की प्रायिकता के सम के बराबर, के योग के बराबर भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर हांडी में से कोई लाल गेंद निकाली जाती है तो किसी लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता, अगर प्रश्न के ब भाग का अगर हम कथन देखें तो वह यह इस प्रकार था कि किसी समय किसी गेंद के चुने जाने की प्रायिकता उसके स्वयं के भार, चुनी हुई गेंद के भार और उस समय हांडी में उपस्थित कुल गेंदों के भार के अनुपात के बराबर होती है। अतः यह प्रायिकता होगी लाल गेंद के लिए आर भागे आठ आर धन चार डब्लू, जहां आठ आर लाल गेंदों का कुल भार है और चार डब्लू सफ़ेद श्वेत गेंदों का कुल भार हो, इन सब का योग। तो यह अनुपात जो कि किसी भी गेंद के लिए प्रायिकता समान ही रहेगी, चूँकि लाल गेंद का भार आपस में बराबर है, वो हमेशा आ रहा है, और जिस समय भी कोई गेंद निकाली जाएगी उस समय हांडी में कुल 12 गेंद होगी, जिन अतः यह प्रायिकता को हम 8 से गुणन करने से हम पहली गेंद के लाल निकालने की प्रायिकता का मान इस प्रकार आठ आर भागा आठ आर धन चार डब्लू के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कोई मान संख्या नहीं आया, जो कि हमें गेंदों का भार नहीं बताया गया, वह एक स्थिरांक आर और डब्लू के रूप में दिया हुआ है। अब इसी तर्क को इस्तेमाल करते हुए दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता भी हम निकाल सकते हैं। अब हम प्रतिबंध प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रतिबंध प्रायिकता इस बात पे का देते हो कि पहली गेंद लाल निकली, इसलिए ये अगर दूसरी गेंद के लाल की प्रायिकता, जो कि पहली गेंद लाल निकल चुकी है, इसलिए वह प्रायिकता एक प्रतिसंबद्ध सप्रतिबंध प्रायिकता होगी। तो उस प्रतिसंबद्ध प्रायिकता को निकालने के लिए, जैसा कि हमने पहले ही अभाग में किया हुआ था कि यह सप्रतिबंध प्रायिकता लिखी जा सकती है, उसी तरह घटनाओं, अब केवल सात गेंदे हैं तो वो सारी जो घटनाएं होंगी वो केवल सात तरह से हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा सात आर भागा सात आर धन चार डब्लू के, क्योंकि ये प्रतिबंध सप्रायिकता है, क्योंकि अब हांडियों में केवल 11 गेंद बचे हुए हैं, क्योंकि गेंदों का भार अलग अलग है, इसलिए इस प्रायिकता का मान इस तरह ही लिखा जाएगा। अतः हम दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता इस दशा में, जबकि हमने गेंद को चुनने की प्रायिकता जो है उस समय उस गेंद के भार और उस समय उपस्थित हांडी में कुल गेंदों के भार के अनुपात के बराबर है को व्यक्त कर सकते हैं इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल से। अतः यह
प्रायिकता इस प्रकार लिखी जा सकती है।